हेलो गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल स्टॉप रिफ्लेक्ट एंड गो आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर प्लेसिस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो बच्चों और टीन एजर्स की कॉपरेशन uh, होना हर चीज़ में बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है हर एक पेरेंट को जनरली हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके होते हैं इधर वी गेट एंग्री और वी गेट फिजिकल सिर्फ uh, यही दो तरीकों से हमें लगता है कि सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी बट टुडे वी विल बी शेयरिंग मल्टीपल मेथड्स टू हैव कॉपरेशन फ्रॉम आर किड्स एंड फ्रॉम आर टीनजर्स सो लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड सी दैट व्हाट ऑल ऑप्शंस आर देयर इन इन फ्रंट ऑफ अस इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री और किड्स सो so, जो सबसे पहला काम आप कर सकते हो आ, इस सिचुएशन में जब आपको कोऑपरेशन नहीं मिल रही है बच्चों की वो है कि आप जो प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब करो तो लेट अस टेक अ सिचुएशन फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि बच्चे आपका अपना कमरा साफ रखें और अपना सामान हर जगह ना आ, वो फेंकें या फिर आ, आप ये आपके सामने ये सिचुएशन हो सकती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुन रहा है और आप उसको चाहते हो कि वो रिजनेबल साउंड uh, ये दो सिचुएशन हैं बट फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो वी विल टेक वन सिचुएशन बट देर कैन बी सो मैनी सिमिलर सिचुएशन राइट सो लेट आज से फॉर एग्जाम्पल कि आज के लिए हम ये सिचुएशन लेते हैं कि हम चाहते हैं बच्चे अपना रूम ऑर्गेनाइज रखें अपना सामान हर जगह ना फेंकें यूनिफॉर्म आके ऑर्गेनाइज करके रखें अपना बैग ऑर्गेनाइज रखें तो इस केस में सबसे पहला जो चॉइस है हमारे पास वो है कि हम प्रॉब्लम को सही से बच्चों को डिस्क्राइब करें नॉर्मली हम डिस्क्रिप्शन से पहले ही एंगर और फिजिकल uh, होने पे पहुंच जाते हैं तो मान लीजिए ये सिचुएशन है तो हमें बच्चों को डिस्क्राइब करना है कि बेटा आप अपना रूम कैसे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो उसके क्या फ़ायदे हैं आप जब आते हो तो आपको जगह डेजिग्नेटेड है हर सामान के लिए हर चीज़ के लिए अपनी डेजिग्नेटेड जगह पे हर सामान को रखना है तो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना सही से सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ डिस्क्राइब वॉट यू फील ऐसे लगता है मुझे भी लगता है ये बहुत प्रैक्टिकल है कि बच्चा किसी और जोन में है फॉर एग्ज़ाम्पल वो टी वी देख रहा है कुछ भी हो रहा है हम बाहर से आए हमने देखा कि उसका रूम क्लियर नहीं है और हमें गुस्सा आ गया पर बच्चे को नहीं पता हम और ये गुस्सा हम उसके ऊपर जाके हम गुस्सा निकाल देते हैं तो उसको फिर दो मिनट के बाद वैसे करेगा मम्मी को क्या हुआ पापा को क्या हुआ डिस्क्राइब वॉट यू फील आते आपको अपनी उसको नहीं पता है कि हम फील कैसे कर रहे हैं जैसे कभी बच्चे ना बड़ा बच्चों की आप ये एग्जांपल लो बच्चे कभी अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हैं तो मैं खुद कनव को बोलती हूँ कि डिस्क्राइब व्हाट यू फील मेरे को नहीं समझ आता है क्यों वो कभी रो रहा है क्यों क्या, क्या उसको प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है इन दैट सिचुएशन आई आस्क हिम आप डिस्क्राइब करो द सेम गोज फॉर अस वी नीड टू डिस्क्राइब वॉट वी फील तो अब इस सिचुएशन में जहाँ जहाँ उसका कमरा और चीज़ें सॉर्टेड नहीं हैं तो मैं उसको ऐसे बोलूँगी कि कनव जब मैं ये ऐसे स्कैटर्ड थिंग्स देखती हूँ आई गेट इरीटेटेड आई गेट मैड मुझे गुस्सा आने लगता है इस सीनारी में तीसरी जो चॉइस हमारे पास है वो ये है कि वी हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द किड्स फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में हमें ये बच्चों को बताना है कि अगर गंदे जो सामान है सॉक्स हैं शूज हैं इधर उधर पड़े हैं तो दिस इज एन इन्विटेशन टू द इंसेक्ट्स टू कि वो आपके कमरे को इन्फेस्ट करेंगे अगर आपका कमरा सॉर्टेड रहेगा तो उसके या ये एडवांटेजेस हैं नंबर फोर ऑफर अ चॉइस दो चॉइसेस दे दो कमरा आपका है या तो आपको इवनिंग में जब भी टाइम मिला तब शॉर्ट करना पड़ेगा या आपको सुबह शॉर्ट करना पड़ेगा सुबह शॉर्ट करने का डिसएडवांटेज ये है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा आपको अपनी स्लीप थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आपको स्कूल भी जाना है जो पाँचवीं चॉइस है हमारी वो ये है कि हमें ज़्यादा नहीं बोलना और एक ही वर्ड में अपना मैसेज दे देना है फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में आपने पैक्ट किया है बच्चे के साथ कि हाँ बेटा आपका जो है वो रूम शॉर्ट करेगा तो जस्ट रिमाइंड हिम ऑफ द पैक्ट कि कनव रूम यूनिफॉर्म सो एक वर्ड में एंड किड्स आर सो स्मार्ट दे गेट योर मैच सो दिक्सथ चॉइस दैट वी हैव इज दैट वी शुड स्टेट अवर एक्सपेक्टेशंस और वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल बच्चे को ये समझाना है कि यू you नो know, अगर आपका कमरा सॉर्टेड है तो इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूर पर्सनैलिटी कि जैसा आप अंदर फील कर रहे हो वैसा ही रिफ्लेक्शन आपका सराउंडिंग होगा तो अगर आपका सराउंडिंग अगर इतना स्कैटर्ड है तो दैट मीन्स के देर इज समिंग रॉन्ग इन साइड एंड वर्सा इट वर्स तो अपनी वैल्यूज और अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियरली बच्चों को बताएंगे तो बच्चे की समझ में वो बात आएगी और वो लॉन्ग टर्म उसके साथ रहेगी नंबर सेवन एंड वन ऑफ द वन ऑफ माई फेवरेट्स फेवरेट्स इज डू द अनएक्सपेक्टेड आप कमरे में गए डोंट से वर्ड जस्ट और अगर कुछ देर बाद आप फिर से वापस जा रहे हो उसका कमरा सॉर्टेड है या उसने क्लीन अप कर लिया है तो जस्ट ओपन तो बिना कोई वर्ड बोले भी आप अपना मैसेज पास कर सकते हो यह भी चॉइस हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन यूज रिटर्न नोट्स फॉर एग्जाम्पल आप अपने रेफ्रिजरेटर पे एक नोट शीट रखिए नोट पैड रखिए और मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक नोट पैड्स आ जाते हैं मार्केट में उस पर नोट लिखिए अपने रूम की तरफ से बेटे के रूम रूम जो है वो बेटे का रूम उसको मैसेज दे रहा है आई एम योर रूम कन और आई एम योर रूम वॉट एवर टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेरी क्लीन प्लीज़ टेक सम टाइम आउट एंड क्लीन मी आई विल बी वेरी थैंकफुल सो ही विल गेट द मैसेज इन अ वेरी जोवियल मैनर एंड वो आपकी ऑल्टरकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है उसके तो हर एक सिचुएशन में हमें गुस्सा आ जाता है और यस नॉर्मल चीज़ है ये गुस्सा आना तो और बा, पर बाद में हम गिल्ट फ, आ, फील करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था बट वी शुड कॉन्शियसली हैव दिस इन आ माइंड कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और चॉइसेस है और उन चॉइसेस को दिमाग में रख के देन एक्ट इन अ सिचुएशन एंड यस थिंग्स विल कम अप इन अ वेरी गुड वे थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस प्लीज़ टू टेल अस ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर एंड डू कमेंट एंड यस इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज़ सब्सक्राइब थैंक यू